फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स टुडेस टॉपिक इज निर्यात प्रोत्साहन एंड इट्स टाइप्स एंड उपयोग। तो फ्रेंड्स जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक निर्यात प्रोत्साहन। तो इसके बारे में हमने पहले डेफिनेशन बताई है, फिर उसके उद्देश्य, इसके टाइप्स एंड उसके बाद में इसके उपयोग क्या क्या होते हैं वो बताए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैंने इस टॉपिक को आज लिया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से ज़रूर कम्प्लीट देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। देखते हैं कि निर्यात प्रोत्साहन क्या होते हैं। तो मेनली ये सरकार के उन नीतियों द्वारा उपायों से है जिसके द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। विदेशी विनिमय के रिजर्व में वृद्धि और भुगतान शेष के घाटे में कमी की जाती है। निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या किया जाता है? विदेशी विनिमय के रिजर्व में वृद्धि की जाती है और भुगतान शेष के घाटे में कमी की जाती है। तो इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? इसके टू टाइप्स के उद्देश्य हैं। फर्स्ट है प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करना। वास्तव में प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करना निर्यात प्रोत्साहन रणनीति का प्रमुख उद्देश्य है। सेकेंड है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, टू अचीव सेल्फ रिलायंस। हमें अपने विकास के कार्यों की वित्तीय व्यवस्था के लिए विश्व में ऋण लेने पड़ते हैं। विदेशी ऋण न केवल महंगे बल्कि अनिश्चित भी होते हैं। सेकेंड उद्देश्य इसका ये है। और इसके बारे में इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। प्रचार द्वारा निर्यातों को बढ़ावा। विदेशों में भारतीय वस्तुओं के व्यापक प्रचार हेतु सरकार ने सन 1977 में भारतीय व्यापार मेला अधिकरण की स्थापना की। इसके उपाय ये हैं। सेकेंड, विदेशी व्यापार का प्रशिक्षण। विदेशी व्यापार का प्रशिक्षण होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है गेट समझौता। इसमें गेट समझौता किया गया, भारत ने गेट समझौते पर हस्ताक्षर करके गेट के सभी 125 सदस्य देशों में व्यापारिक समझौते कर लिया है। फोर्थ है निर्यात घराने, एक्सपोर्ट हाउसेज। निर्यात में संबंधित फार्मों तथा कंपनियों को निम्नलिखित आधार पर विभिन्न घराने में इस प्रकार वर्गीकृत किया है, निर्यात घराने, व्यापार घराने। फिफ्थ है सरकार द्वारा निर्यात, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट। सरकार ने स्वयं विदेशी व्यापार करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित की हैं, राज्य व्यापार निगम, खनिज धातु व्यापार निगम, हस्तकला निगम। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो निर्यात प्रोत्साहन के ऊपर, इसके हमने उद्देश्य और इसके उपाय बताए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसको जरूर से लाइक करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे ईजिली फ्रीली बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।